Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Guys, Commander Sindh, IT courses में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, पूरा साल हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है. ओके, इसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड की है सेकंड वीडियो के नाम से, एंड उसमें हम लोग जो है पहले सीखने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. और उसमें हमारे पास चार तरह की लैंग्वेजेस आ रही थी, HTML, CSS, JavaScript एंड TypeScript. अपने सेकेंड वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है कि व्हाट इज़ HTML, CSS एंड JavaScript, और उनका डिफरेंस भी बताया है. सो आज की इस वीडियो में हम लोग TypeScript को कवर करेंगे, एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी द डिफरेंस बिटवीन JavaScript, TypeScript एंड बाकी की भी दो लैंग्वेजेस HTML एंड CSS के साथ भी हम इसे कंपेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज TypeScript? TypeScript is a strongly typed, object-oriented, open-source programming language that builds on JavaScript. It is developed and supported by Microsoft. Actually, it is a strong superset of JavaScript and consists of all its segments. See, TypeScript is a strongly typed, object-oriented programming language hai, and ye jo hai JavaScript par build hui bhi hai, ye cheez ko zara yaad rakhiyega. And it is developed and supported by Microsoft. ठीक है, it is a strong superset of JavaScript and consists of all its segments. अब एक चीज़ अगर आप लोग नोट करें तो TypeScript जो है वो JavaScript से लिंक कर रही है. सो चले हम लोग इसे और डिटेल में देख लेते हैं. पहले आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि TypeScript एक्चुअली है क्या. पहले हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं. TypeScript helps software developers add type safety to their projects and provides features like type aliases, interfaces, abstract classes, encapsulations, inheritance, and functions overloading. Overall, TypeScript make it easier to create large and complex project and compiles to a JavaScript. So, इसमें ये कह रहे हैं कि TypeScript जो है वो software developers को मोर फीचर प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक कि वो जो भी अपनी वेबसाइट पेजेस हैं जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये जितने भी फीचर्स लिखे मैंने कि टाइप एलाइसिस, इंटरफेसिस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, ये जितने भी फीचर्स हैं ये जावास्क्रिप्ट जो है इन फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में ही ये फीचर्स होते हैं. सी, टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ सुपरसेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज डिज़ाइन टू गिव यू बेटर टूलिंग एट एनी स्केल. इसमें ये बता रहे हैं कि TypeScript जो है JavaScript का सुपरसेट है, एंड ये जो डिज़ाइन किया गया है ये बेसिकली JavaScript के लिए डिज़ाइन किया गया है. दिस इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, इसे आप एक टूल भी कह सकते हैं. देखिए, हम लोग कोई भी अगर टूल यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि इसकी एक एग्जांपल ले लें. अब तो हमारे पास बहुत सारी टूल्स आ गए हैं. पहले क्या होता था कि हम लोग जो है कुछ भी टाइप कर रहे होते थे, कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप करना है आप लोगों को, तो उसमें आप लोग को ऑटोमेटिकली आप लोग की मिस्टेक्स नहीं बताई जा रही होती थी. बट अब इतने सारे टूल्स आ गए हैं जिसमें से एक है ग्रामरली. बहुत से लोगों ने इसे इंस्टॉल भी किया होगा. जब आप ग्रामरली ऐप को इंस्टॉल करते हैं वो आपके कीबोर्ड पे अप्लाई हो जाता है, एंड देन आप कोई भी मैसेज जो है टाइप कर रहे होते हैं, कहीं पर भी टाइप कर रहे होते हैं, वो आपकी मिस्टेक्स आपको बता रहा होता है उसी वक्त, आपके सेंटेंस करेक्ट है नहीं करेक्ट. सो दिस इज़ द टूल, एक ग्रामरली टूल है. सो सेम एज़ फॉर द TypeScript, TypeScript भी एक टूल है जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने JavaScript पर. So it is designed for the development of large applications and transpiles to JavaScript. Okay, so आप एक चीज़ ये भी नोट करें, हम लोगों ने जितनी बार भी ट्रांसक्रिप्ट की डेफिनेशन पढ़ी है या कुछ भी किया है जिसमें जावास्क्रिप्ट का नाम लाजमी आ रहा है, सो इससे यही समझ आती है कि ट्रांसक्रिप्ट जो है एक टूलिंग लैंग्वेज है, एंड ये जावास्क्रिप्ट पर अप्लाई करते हैं. ट्रांसक्रिप्ट जो है ख़ुद से कोई वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकता, बट येस उसमें मोर फीचर्स ऐड कर सकता है. सो ट्रांसक्रिप्ट जो है बड़ी एप्लीकेशंस जब हम लोग को बनानी होती हैं, सो इसके लिए हम लोग ट्रांसक्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं. एंड ट्रांसपाइल्स टू जावास्क्रिप्ट, ट्रांसपाइल्स का मतलब है कि और उसकी लैंग्वेज को हम लोग ट्रांसपाइल यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में. ट्रांसपाइल का मतलब है कि आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं. सो टाइपस्क्रिप्ट में अगर हम लोग कोई बड़ी एप्लीकेशंस बना लेते हैं तो उसको हम जावास्क्रिप्ट में जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसपाइल कर सकते हैं. सी, इसकी डेफिनेशंस में इतनी ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जावास्क्रिप्ट क्या है और टाइपस्क्रिप्ट क्या है. सो जावास्क्रिप्ट इज़ इंटरप्रेटेड, इसका मतलब है कि ईजी टू एक्सप्लेन, ईजियर टू लर्न एंड द बेस्ट चॉइस फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स. ये जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है कि इसे ईजी है लर्न करना, एंड स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए जावास्क्रिप्ट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज. Meanwhile,
ट्रांसक्रिप्ट इज कंपाइल्ड, हार्डर टू लर्न एंड द बेस्ट यूज फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। सेम यही बात मैंने पहले भी कही थी, ट्रांसक्रिप्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट के साथ, और ये लर्न करना थोड़ी हार्ड है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, बट दिस इज़ द बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। जो भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी मुश्किल होती हैं, सो इसके लिए हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर इन योर माइंड सेट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। अभी हम लोग मजीद इसका डिफरेंस देखते हैं। अभी सिर्फ मैंने आप लोग को ये समझाया है कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है। टाइप स्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज बट एज अ टूल, इट इज़ अवेलेबल एज अ टूल। ठीक है, हम ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन नॉट क्रिएट द वेब स्ट्रक्चर और द वेब पेजेस डायरेक्टली। इट हैज़ फीचर्स जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फाइल्स वगैरह जो हमें एप्लीकेशंस बनानी होती है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट। सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन टाइप स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, देन इट विल बी मोर क्लियर इन आवर माइंड्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज, और यू कैन से इट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो टाइप स्क्रिप्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट हैज़ अ फीचर नॉन एज स्टैटिक टाइपिंग, बट जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर। एंड टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट इंटरफेस, बट जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर ऑल्सो। देन टाइप स्क्रिप्ट कैन बी स्ट्रॉन्गली टाइप्ड एंड जावास्क्रिप्ट कैन बी डायनेमिकली टाइप्ड। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो देखें, यही डिफरेंस था टाइप स्क्रिप्ट का एंड जावास्क्रिप्ट का। अब आपको समझ आ गया होगा जावास्क्रिप्ट भी एक वेब पेज को बनाने में काम आता है, बट ये कि हमें जो स्मॉल एप्लीकेशंस वगैरह क्रिएट करनी होती है वो हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, बट जब हमें बड़ी एप्लीकेशंस, बड़ी वेबसाइट्स बनानी होती हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसमें हमें मोर ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता, जो कि जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमें लार्ज एप्लीकेशंस के लिए जो है टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। लेट्स जस्ट डू अ समराइज ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट हेल्प्स टू क्रिएट प्रोफेशनल एप्लीकेशंस। हम लोग जावास्क्रिप्ट से वही सेम बात आ जाती है बार बार कि छोटी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन जब हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट्स या वेब पेजेस हमारी एप्लीकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंड्स जावास्क्रिप्ट एंड इम्प्रूव द डिवेलपर एक्सपीरियंस। एंड वन मोर थिंग दैट टाइप स्क्रिप्ट हैज़ एबिलिटी टू रिपोर्ट एन एरर्स व्हेन द टाइप्स डज नॉट मैच। फॉर एग्जांपल, टाइप स्क्रिप्ट विल रिपोर्ट एन एरर व्हेन पासिंग अ स्ट्रिंग इनटू फंक्शन दैट एक्सपेक्ट्स अ नंबर। सो ये टाइप स्क्रिप्ट के जो है फीचर्स हैं। टाइप स्क्रिप्ट जो है हमें एरर्स भी बता रहा होता है साथ साथ में, बट जावास्क्रिप्ट के पास ये फीचर अवेलेबल नहीं है। सो देखिए, टाइप स्क्रिप्ट को अगर हमें एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना है, सो यू कैन से इट दैट टाइप स्क्रिप्ट इज एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। दैट्स इट। सो दिस इज द जावास्क्रिप्ट एंड द टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट की डेफिनेशंस बता दी हैं एंड इस वीडियो में मैंने आप लोग को टाइप स्क्रिप्ट का और जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस भी बता दिया है। बाकी जावास्क्रिप्ट को, सीएसएस को एंड एचटीएमएल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड इनका डिफरेंस भी बताया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं की, सो वीडियो वो मेरे चैनल पर अपलोड है पार्ट वन के नाम से, आप जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली पार्ट टू है, देन आप लोग जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट का भी डिफरेंस देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि आप एचटीएमएल को कहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी आप लोगों को HTML एंड CSS आप लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को ऑब्वियसली बातें एक ऐप चाहिए जो कि मोस्टली एंड्रॉयड या मोबाइल्स में ही यूज़ हो जाए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी इसी पे होगी, आप लोगों को बताऊंगी कि HTML के लिए आप लोगों को कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है और किस तरीके से उसे यूज़ करना है। सो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।